किस जगह ले जा रहे हो, क्या सहूलियात दे रहे हो? सिर्फ टीवी पे आकर बकवास करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। ये रौनकें ख़त्म कर रहे हैं कराची की, कराची का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अरबों रुपए आप लोग भर भर के जो है वो ले जाते हो, डॉलर्स पाकिस्तान में ख़त्म कर दिए आप लोगों ने, कन्वर्ट कर दिए दुबई में। एक आम शहरी की आवाज़ है, पहुँचाएं इन तक। लाइटें ढूंढनी पड़ती हैं। जनरेटर माफिया, ठीक है, और आपका यूपीएस माफिया इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी एक साहब ने फरमाया कि जी इनको सोचना चाहिए, इनके पास सोचने के लिए आवाम के लिए वक्त नहीं है, इनके पास सोचने के लिए अपने लिए वक्त है। आवाम जो है वो हम लोग हैं, कीड़े मकोड़े। भाई साहब ने फरमाया कि जी सुबह खोल लें, सुबह मुझे ये बताएं इनके घर में सुबह कितने बजे होती है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब मिल जाए तो मैं हर चीज़ से मुतमईन हो जाऊंगा। ये सुबह अपने घर में कितने बजे इनके सुबह होती है और ये कितने बजे घर से निकलते हैं। हर घर का यही अलमिया है कि 1:30-2 बजे लेडीज़ जो है मॉल्स की तरफ जाती हैं, अपने काम करके, अपने खाने बना के, अपने घर के, अपने बच्चों को देखने के बाद यहाँ की एक्चुअली है क्या है, ये है कि कराची से बदला लिया जा रहा है। कराची को जो है ना, मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, आप रोड देख लें यही हाल है, आप बिल्डिंगें देख लें यही हाल है, सीवरेज देख लें यही हाल है, पानी देख लें यही हाल है। सिर्फ टेलीविज़न पर आकर तकरीरें, मीडिया के सामने तकरीरें, वो भी अपने मनपसंद 4 मीडिया के एजेंट्स बिठा के और गर्दन इधर करके और गर्दन इधर करके जो है ना, वो सारे लीडर जो है वो खिताब करते हैं कि जी हमने लोगों को सहूलतें दे दी हैं। मैं इस उम्र में आ गया हूँ, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। मैं खुल के बोलूँगा कि कराची का बेड़ा गर्क करने में हमारी हुकूमत का ही हाथ है। अगर ये कह रहे हैं कि जी मॉल्स जल्दी बंद कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, आप कराची की रोशनियाँ बंद कर रहे हो, कराची के साथ आप पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हो। 60 साल हो गए मैं पैदा कराची में हूँ, आज मैं इतनी उम्र में आ गया हूँ। बात सीधी यह है कि आप रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शादी हॉल, ये सब अपने जनरेटर्स पर चलते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो इनकी वो अपने जनरेटर्स पर चलती है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मॉल्स की एक लिमिट है, ये लोग आते हैं, ऑब्वियसली वो साहब ने फरमाया जैसे कि भाई लाइटें हम लोग उस वक्त जलाते हैं जब हमारा क्लाइंट आता है, अदरवाइज तो हम एक लाइट के अंदर बैठे होते हैं। और सेवर्स आपके इतने अच्छा सिस्टम आ गया एनर्जी सेवर का, और दूसरे 2-3 जो दूसरी चीज़ें हैं उससे ये कि आपकी एनर्जी सेव हो रही है। आप जितनी भी लाइट जला लें आपका कंजम्पशन उतना नहीं है। ये रौनकें ख़त्म कर रहे हैं कराची की, कराची का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। रेस्टोरेंट अंधेरों में है। मैं अभी लास्ट वीक आया हूँ लाहौर से, इन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने जनाब अपनी कैंडल्स जला के रेस्टोरेंट चला रहे हैं। बंद तो नहीं हुआ उनका कारोबार, जाएं ये देखें रोडों पर निकल के, सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं उसी तरह से। वो जिनके पास जनरेटर सिस्टम नहीं है वो कैंडल्स में खाना खिला रहे हैं, बना रहे हैं। गैस आपके पास नहीं है, घरों के अंदर आप लोड शेडिंग करते हैं, रोटी आप 25 रुपये की 30 रुपये की कर दिए। कल रात मैंने देखा होटल पर मेरा नंबर पर 2 आदमी खुनम खान हो गए कि जी मेरा नंबर है रोटी लेने में। आप किस जगह ले जा रहे हो, क्या सहूलियात दे रहे हो? सिर्फ टीवी पे आकर बकवास करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स ख़त्म करें, आप लोग जो है आवाम का सोचें, जो 24 करोड़ का मैंडेट लेकर आए हैं। अरबों रुपए आप लोग भर भर के जो है वो ले जाते हो, डॉलर्स पाकिस्तान में ख़त्म कर दिए आप लोगों ने, कन्वर्ट कर दिए दुबई में। एक आम शहरी की आवाज़ है, पहुँचाएँ इन तक।